यहाँ जनवरी में भी या उसमें लद्दाख में भी उंगली नहीं फटी मेरी, इतनी जितनी अब हो रही है। वाटरफॉल, वाई वाह, दो वाटरफॉल के सारा पानी में बह के दिख रहा हो तो आपको देख लेना भाई, मेरा तो गोप्रो भी काम मुझे पर लगने रहा होगा सही से, लेकिन इधर तो उंगली जाम हो रही है मेरी यार। से हम फॉग से बाहर निकले हैं, वैसे ही भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो गए अब रास्ता पूरा गीला पड़ा है। ठंडक मुझ पर झेलेगी नहीं क्योंकि इस बार ग्लव्स भी नहीं है मेरे हाथों में। ओ जनवरी के महीने में आ गए भाई हम तो, गाजियाबाद दिल्ली में जनवरी के महीने में घूम रहे हैं हम तो भाई। साइड कर भाई, देखिए भाई साहब बिल्कुल ही हटे हुए हैं ये ट्रक वाले। ओहो, ओ माय गॉड, कहाँ आ गए हम। तो भैया ये था होटल, अब यहाँ आ गए हैं, सामान पैक कर लिया है। हाँ, सामान पैक करने के बाद में अब निकल रहे हैं हम नीचे विरान के लिए, क्योंकि मोनेस्ट्री घूमी है और वो जो बुद्धा मतलब यहाँ पे जो घूमने की जगह थी ना वो हमने कवर कर ली, जो सब हमने कवर कर ली है, अब दिरांग के लिए। क्यों खामा खामे हजार रुपए उसके, हजार डेढ़ हजार रुपए रूम के देने। कौन सा वो पास, कौन सा है? सेला पास के टनल से होते हुए जाएंगे आज। पहले जब उधर से आया था मैंने आपको दिखाया सेला पास का लोग ने देखा तो देख लेंगे जाके, लास्ट से लास्ट लगेगा। और इसके बाद में अब हम इधर से निकलेंगे सेला टनल से। देखो भाई कहाँ फंसे पड़े हैं हम, एक घंटा हो गया लगभग हमें यहीं इसी जगह पर। देखो इधर ट्रक है, इधर ट्रक है, इसके बीच में मैं खड़ा हूँ, उधर मंजीत खड़ा है। हमारा नंबर पता नहीं कब आएगा निकलने का भाई, फंस गए हम तो बुरी तरीके से। यार रोज ही ऐसा रहता है, रोज ही रहता है ऐसा, या आज ही हुआ है? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, ऊपर से आता है, यहाँ से जाता है। एक से डेढ़ घंटा वेट करने के बाद भाई फाइनली हम निकल गए, लेकिन यार एक सीन हो रहा है हमारे साथ में, थोड़ा सा दिक्कत ही हो रही है। वहाँ पे ना हमें पेट्रोल पंप दिखाई नहीं दिया, हम मज़े में ध्यान भी नहीं दिया, और पेट्रोल ना भाई ये बिल्कुल ख़त्म चल रहा है और पता नहीं कितनी देर से चल रहा है, इसलिए ना मैं इसे थोड़ी सी ऐसे स्पीड देता हूँ बाइक को, ऐसे फुल गियर में डाल के और क्लच दबा के बैठ जाता हूँ मैंने किसी तरीके से, बस पेट्रोल पंप पे पहुँच जाए। यहाँ से पेट्रोल पंप 12-13 किलोमीटर है अभी भाई, और अगर बीच रास्ते में ये बंद हुई तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई, क्योंकि मैंने ना जब से मैं अरुणाचल प्रदेश में एंटर करा हूँ तब से मैंने पेट्रोल ही नहीं डलवाया इसमें। चले जा रही है, ऊपर से शीशा आला टेढ़ा हो गया। साइड कर भाई, देखिए भाई साहब बिल्कुल ही हटे हुए हैं ये ट्रक वाले, और मैं कह रहा हूँ इधर साइड कर ले। भाई साहब बाइक धोखा नहीं देती मेरी, ये बात तो पक्की। देखो सोकर खराब है, सब कुछ खराब है, और कभी भी धोखा नहीं देगा। पेट्रोल ख़त्म था इसका पूरे का पूरा, और मैं कहाँ से तवांग से यहाँ तक लेके आ गया, लेकिन पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ इसका। इसका भी पेट फुल हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। चलो भाई चलते हैं, और अब टेंशन किसी चीज़ की है नहीं, पेट्रोल हो गया फुल, और फुल कराया हमने भाई 1050 रुपये का आया है, और अब खींचम खींच रखनी है बाइक हमें, क्योंकि हमें टाइम से भाई कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो जहाँ से हमारा रास्ता कटेगा ना वहाँ पहुँचना है, और वो जगह है, उस जगह का नाम है दिरांग करके एक जगह है, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम हमने वो लगाया था ना अपना कैंप उधर की साइड, और बीच में पड़ेगा भाई सेला पास। और सेला पास भाई मेरी जो फटके जा पड़ी थी भाई, इतना ठंडा लग रहा था ना, मरने को हो गया था मैं, मेरी उंगली सुन्न हो गई थी। तो अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा तो देख लेना भाई। यहाँ का ना अरुणाचल प्रदेश का एक सीन मुझे समझ में आया, वो समझ में ही आया कि अगर आप भाई अपर मतलब माउंटेन्स के ऊपर की साइड जाओगे ना, जितने ऊपर जाते जाओगे वहाँ पे तुम्हें ना भाई बारिश ज़रूर मिलेगी, परमानेंट मिलेगी। इसी तरीके से भाई हो, इसी तरीके से ना तुम्हें देखो ऐसे वाटर क्रॉसिंग भी मिलेगी। पहले गड्डी है निकल जान दो एयरफोर्स पुलिस वालों की, फिर हमारी निकलेगी यहाँ से वाटर क्रॉसिंग। कमांडर साहब जैन साहब बोल शंकर भगवान की जय। लो भाई वाटर क्रॉसिंग में मिल गई, एडवेंचर तो ठीक है जैसा भी है। ओ ओ ओ ओ गड्ढा पूरा भेड़, आराम से चलाऊंगा भाई अगर यहाँ गिरे ना, क्योंकि मेरी ना बाइक का सॉकर पिछले वाला उछाल उछाल के पीछे से फेंक के मार रहा है आगे को, तो डिसबैलेंस हो जाती है बाइक, और जब डिसबैलेंस हो जाती है तो भाई तुम्हें पता ही गिरेगी, और गिर गई तो मामला ख़राब। बाकी मौसम तो भाई ख़राब ही है, अब हमारा मौसम ना ख़राब कर दे अब, क्योंकि भाई देखो मेरा ना एक ग्लव्स भी छूट गया वहीं पे जहाँ पे मैं मतलब
जिस होटल में हम रुके थे ना वहीं पे मेरा एक ग्लव्स छूट गया है और एक मैंने पहना हुआ है, तो ठंड में फाड़ के रख देगा मेरी। भाई साहब क्या मौसम हो रखा है यार, सामने का क्या नज़ारा आ रहा है, क्या व्यू दिख रहा है भाई, मतलब एक नंबर। ऊपर देखो पूरे में ना बादल ढके हुए हैं, पूरे में कहीं कहीं बीच बीच में आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और ऊपर तक ही हैं आसमान में, ब्लैक तो बहुत कम है, बिल्कुल चिट्टे दूध से ऐसे बादल हो रखे हैं, ऐसे यार ऐसे उड़े फिरते हैं। जब हम इनमें बादलों में घुसते हैं ना अंदर, तब हमें लगता है कि कहाँ है बादल, किस जगह है बादल, और दूर से कितने प्यारे लगते हैं यार ये, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं भाई, देखना ये क्या हो रहा है, मतलब दूर दूर का भी नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, हम बादलों के अंदर हैं इस समय, पूरे के पूरे, नीचे का नहीं दिख रहा, ऊपर का नहीं दिख रहा, साइड का नहीं दिख रहा, सामने का थोड़े से आगे का दिख रहा है। अभी एक गाड़ी क्रॉस हुई, उसने ना इंडिकेटर जलाए हुए थे, मैं भी जला लेता हूँ यार कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो दोनों इंडिकेटर मैंने भी जला दिए अपने, अब कोई दिक्कत नहीं, देखो बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और यहाँ से सेला पास भाई 28 किलोमीटर है, बट हम सेला पास से नहीं, सेला पास तो हम कर चुके हैं, अब हम जाएंगे सेला टनल से। एक्चुअली ना मेरा जो गैस का चूल्हा है, जो छोटा वाला चूल्हा होता है, वो मेरा टूट गया, नहीं तो मैं खुद बना लेता, खुद खा लेता, मेरे पास में इतना सामान था सब कुछ, मैं पोहा, ओट्स और दलिया, कॉर्नफ्लैक्स और प्रोटीन और पीनट बटर, पता नहीं क्या क्या लाया था मैं यार, मैं सब कुछ लाया था खाने के लिए, लेकिन यार बस क्या बताऊँ, मेरा तो अब पीनट बटर ख़त्म हो गया, ठीक है कॉर्नफ्लैक्स ख़त्म हो गए, प्रोटीन बचा है जो कि बिना कुछ बनाए खा सकते हैं, लेकिन जो ओट्स है, जो दलिया है और जो वो है क्या बोलते हैं उसको, पोहा है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना भाई, ये बनेंगी सिर्फ गैस चूल्हे पर ही, तो वही हमारा टूट गया, तो अब कैसे करें, अब यहाँ खाएंगे तो यहाँ जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ पे भाई पोर्क 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 दिखाई देता है, हालांकि वहाँ पे वेज भी मिलता है, लेकिन यार जहाँ पे पोर्क लिखा दिख जाता है ना, बस वहाँ पे खाने की इच्छा नहीं होती हमारे यहाँ पे, बस क्या ही बोलूँ मैं, हमारे यहाँ तो देखें भी ना जो खाना भाई, हमारे इंडिया में ना, पूरे इंडिया में जो खाना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन जगहों पर मिल जाएगा ना, वो खाना भाई और कहीं तो नहीं मिलता, जो मज़ा खाने में, थोड़ा थोड़ा जम्मू में भी ठीक ठाक मिल जाता है खाना, लेकिन भाई बाकी और जगह तो खाना, मैं घूमा सब जगह, वो मज़ा नहीं आया भाई मेरे को, जो मज़ा आता है खाने में वो अपने उसमें आता है। तो जनवरी के महीने में आ गए भाई हम, तो गाज़ियाबाद दिल्ली में जनवरी के महीने में घूम रहे हैं हम तो भाई, ये देखो बिल्कुल जनवरी का महीना याद आ गया भाई मेरे को, जनवरी में जैसे फॉग होता है ना पूरे चारों तरफ, ए कहाँ है रास्ता, ये रहा, मतलब पूरा जो जनवरी के मंथ में होता है ना जैसा माहौल, वैसा ही हो रखा है बिल्कुल, पूरे का पूरा फॉग ही फॉग, कोहरा बोलते जिसको हमारे यहाँ, कोहरा आ गया भाई, कोहरा बहुत है, बहुत ज़्यादा है भाई आज तो, ऐसे ही यहाँ पे ना कोहरा बहुत ज़्यादा है भाई आज, बस खुशी की बात ये है कि बारिश ना मिल जाए, मैं अभी तक तो नहीं मिल रही है, आगे ना मिल जाए, नहीं तो भाई फटके हो जाएगी चार, क्योंकि ठंडक मुझ पर झेलेगी नहीं, क्योंकि इस बार ग्लव्स भी नहीं है मेरे हाथों में। ओ माय गॉड, वो बजा रहा हूँ भाई, बड़ी मुश्किल हो रही है यार चलने में, कुछ दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर भी, अभी यहाँ तो नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मोड़ ही नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को, अब देखो कुछ दिख रहा है क्या आपको, सामने से अचानक से गाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए, एक तो मेरा ना शीशे पे फॉग जम गया, वाइजर है ना वो हेलमेट का वाइजर दिक्कत दे रहा है यार मुझे, सांस लो थोड़ा सा, अरे भाई हो जाए यार, हाँ दिख रहा अब दिख रहा है सब कुछ, मेरे ना शीशे, मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दिखाई दे रहा है, वो क्यों, क्योंकि भाई मेरा जो हेलमेट का वाइजर है ना उसमें फॉग जमा हो गई है। ये लो जी हम ना इस ब्रिज को क्रॉस करके इधर आ गए हैं और फॉग से हम आ गए बाहर, लेकिन जैसे हम फॉग से बाहर निकले हैं वैसी भाई बारिश स्टार्ट हो गई है, देख रहे हो गए अब रास्ता पूरा गीला पड़ा है, और बारिश ठीक ठाक ही हो रही है, मतलब भिगोने वाली हो रही है, और जैसे जैसे मैं ऊपर चढ़ता जाऊँगा ना भाई मेरी फटती जाएगी, क्योंकि मेरे हाथों का मामला ख़राब हो जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर को चढ़ती है ये गियर छोड़ना चालू कर देती है, इसकी भी हालत ख़राब हो जाती है बेचारी की, ये भी क्या ही करे, ये कह रही होगी किसके हत्ते चढ़ गई मैं, मुझे रौंदता ही रहता है ये अपनी मर्जी से कहीं को भी कान ऐड देता है, बट भाई मेरा तो काम है, करना तो पड़ेगा।
एडवेंचर बोलती पब्लिक। वाटरफॉल्स, हालत डाउन होती जा रही है मेरे हाथों की। ये देखो वाटरफॉल्स, बहुत सारे, एक ही वाटरफॉल कई जगह से गिर रहा है। बाकी बारिश तो मस्त पड़ रही है और धीरे धीरे मेरी उंगलियों के आगे से खून जमना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि उनसे मैं क्लच और ब्रेक दबा रहा हूँ। ये देखो कैसी होती जा रही है। ओहो हे भगवान, बस 7 किलोमीटर रह गया है, जल्दी जल्दी जल्दी। सो गाइस देखो, ये वाला जो रास्ता जा रहा है ना, ये जा रहा है भाई सीधा सेला पास के लिए, और हम इधर से आए हैं और इधर जाएंगे ना वो ऊपर की साइड, ये जाएगा टनल के लिए, सेला टनल। और यहाँ से जो सेला पास है वो है 7 किलोमीटर, और इधर को टनल पता नहीं कितने किलोमीटर होगी। अभी तो यहाँ से 1 किलोमीटर दिखा रही है टनल। ये लो जी, वेलकम टू सेला टनल, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि बीआरओ ने बनाई है ये टनल। और भाई उंगलियां मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। ये था बुद्धा जी की स्टैचू बना हुआ है, और ये 13,000 फीट है भाई जगह, जो जिस जगह पे हम खड़े हैं अभी। और टनल के अंदर आते ना थोड़ा सुकून मिलेगा जहाँ तक है। भाई साहब एक बात तो है, आप कितने भी कपड़े पहन लो, कितने भी रेन कवर, रेन कोट, कुछ भी पहन लो, लेकिन पानी कहीं ना कहीं से तुम्हारे कपड़ों पपड़ों में घुस ही जाएगा। मुझे अभी भी महसूस हो रहा है मेरे जूतों में कहीं ना कहीं से पानी घुस गया भाई, जबकि मैंने रेन कवर, रेन पैंट, रेन शूट जो कुछ भी होता है सब पहना हुआ है, लेकिन इधर तो उंगली जाम हो रही है मेरी यार, टनल में तो और ज़्यादा जाम हो रही है, सुन होता जा रहा है तो मामला। मैं तो सोच रहा था बाहर ज़्यादा ठंड होगी, लेकिन ये तो टनल के अंदर और ज़्यादा ठंड है भाई। भाई साहब टनल के बाहर तो हम आने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बाहर टनल के ना बहुत तगड़ी बारिश पड़ रही है। जिस हिसाब का माहौल दिख रहा है ना, ऐसे में लग रहा है कि बाहर पक्का बारिश पड़ रही है बहुत तगड़े वाली। हाँ भाई पानी वानी हो रखा है, या तो बारिश है या फिर बादल है इकट्ठे। आहा ए ले भाई, आ गए हम बाहर, लेकिन यहाँ पे बादल हो रहे हैं, बारिश है भाई, बारिश पड़ रही है भाई, बहुत तगड़े वाली पड़ी है बारिश तो यहाँ। ओहो सेला टनल, इधर कुछ नहीं दिख रहा, इधर कुछ नहीं दिख रहा, वाटरफॉल भाई वाह, दो वाटरफॉल के सारे पानी में बह के दिख रहा हो तो आपको देख लेना भाई, मेरा तो गोप्रो भी काम मुझे पर लगने रहा होगा सही से। अरुणाचल प्राइड ऑफ इंडिया, सच कह रहे हो जी, प्राइड ऑफ इंडिया है अरुणाचल, लेकिन हमारी तो फट गई है भाई साहब, इतनी ठंड, इतनी ठंड तो मैंने यार उसमें भी नहीं देखी, अपने यहाँ जनवरी में भी, या उसमें लद्दाख में भी उंगली नहीं फटी मेरी, इतनी जितनी अब हो रही है, फट के जा पड़ी है भाई। ओहो हो, जिस चीज़ का डर था भाई वो ही हो गया, फट गई भाई आज तो, गलत फंस गए भाई साहब। बारिश पड़ रही है और बारिश के साथ साथ ना उंगलियाँ ऐसी सुन्न हो गई हैं मेरी, बहुत बुरी, बहुत ज़्यादा दर्द कर रही हैं, रुक रुक के दर्द हो रहा है, भाई साहब उंगलियों में। एक्चुअली मुझे क्लच दबा के रखनी पड़ रही है, बीच बीच में गियर, वो ब्रेक मारने पड़ने हैं। एक टनल के बाद एक टनल रो रही है भाई, सेला टनल इसे बोलते हैं आई थिंक, वो पता नहीं वो भी सेला टनल ही होगी यार, दो दो टनल बनी हुई हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी गर्माहट है, ठंडक मतलब ज़्यादा नहीं है, है थोड़ी सी गर्माहट 19-20। तो भाई फाइनली भाई बचते बचाते आ ही गए हम, और यहाँ पे मौसम देखो साफ हो गया, एकदम खुल गया, कितना मस्त मौसम हो रखा है। और हम अभी इधर जाएंगे, आगे जाके अपना कैंप सेटअप करेंगे, उसी जगह पर करेंगे, क्योंकि यार शाम हो गई, अगर हम यहाँ से खींच के आगे भी जाते हैं तो आगे पता नहीं कैंप की जगह मिले या ना मिले, 36 सवाल हैं दिमाग में। जब हम तवांग गए थे ना उससे पहले जहाँ पे रुके हुए थे वहीं पे रुक जाएंगे, वो लड़के भी अच्छे हैं सारे के सारे, वहीं पे कैंप लगा लेंगे, छत भी है, सब कुछ है, बढ़िया है। और कल सुबह सुबह जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से, कल सुबह सुबह निकलेंगे हम आसाम के लिए। बाकी तो जगह बच जाएगी, नहीं बचेगी पता नहीं। चलो भाई, भाई ने बैग ले लिए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बच गए अन्य भाई।
पता नहीं कहाँ कहाँ बचानी पड़ती है अभी। अब ये ब्रिज क्रॉस करेंगे, लेकिन भाई बारिश बहुत तगड़ी हुई है अभी यहाँ पे। मैं तो ऊपर ना भाई ठंड के मारे इतनी बुरी हालत हो गई थी, बस पूछो मत ना। ये लग रहा था कि आज नहीं बचनी भाई, उंगली उंगली तो ख़त्म है पूरी, लेकिन फिर भी सही सलामत हैं हम। और ये देखो देखो पानी के बहाव से पता चल जाएगा आपको कितनी तेज़ है पानी का बहाव आज, कितना तेज है, बहुत तेज़ है भाई पानी आज। आज तो पानी भी साफ़ नहीं दिखाई दे रहा, कल तक तो पानी साफ था, परसों तक पानी साफ था, आज साफ नहीं दिखाई दे रहा। और भाई हम दिन से ही रुक गए हैं, टाइम से आ गए, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम टाइम से आ जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर क्या है ना, हम अगर बाइक पे बैठ गए ना तो हमारी जब तक डेस्टिनेशन नहीं आ जाती उतरते नहीं हम बाइक से, ये आदत हो गई है हमारी, तो इसलिए हमें टाइम नहीं लगा कुछ भी आने जाने में। देखो भाई इसी से पता चल रहा होगा, देखो कितनी गार गुप्पड़ हुआ पड़ा है ना, कीचड़ है पानी, और आज ना भाई मेरे जूते वूते सब में पानी चला गया है, और यहाँ पर भाई संभाल के चलानी पड़ेगी। मैं बातों में लग गया था, अभी पिछला टायर स्किड हो गया था गारे में, ओ सॉरी कीचड़ में, गारा आपको समझ में नहीं आएगा, ये मेरी लैंग्वेज का है। और एक चीज़ और दिखाऊं, ये देखो ला 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 ला, ये पूरे का पूरा हिल रहा है भाई। अभी असम जाके ठीक होगा सब कुछ, असम नहीं ये दिल्ली जाके ठीक कराने पड़ेंगे मुझे लग रहा सब कुछ। भाई खेलने बारिश में, हाँ अरे वो तो वॉलीबॉल खेल रहे हैं, मुझे ध्यान मत भटकवावे तो मेरा, मैं कौन सा ध्यान, नहीं तो यही दोनों ना गारे में ही उसमें कीचड़ में पड़े पाएंगे। वॉलीबॉल और ये वाली बॉल मत बता मुझे तो, वही फिलहाल देख रहा कैसा घूम रहा आगे पीछे का टायर, अरे जो भी है यार कीचड़ देखो कैसा हो रखा है भाई। और कहाँ जा रहे हैं हम, और जिस दिन हम उस दिन आए थे उस दिन सब कुछ बढ़िया था मस्त एकदम है ना, अब मजबूरी है भाई, सब चीज़ की सुविधा है वहाँ, लाइट है, पानी है, टॉयलेट है, भीड़ मुसीबत होगी तो खाना भी है, रहना तो है ही हमारा। एक्चुअली हम ना उनसे वादा कर गए थे कि भाई हम अगर वापस आएंगे और हमें लेट होगा आगे जाने में, हमें लगेगा कि हाँ भाई 4 बजे से पहले पहले अगर हम यहाँ से आ गए तो हम आगे निकल जाएंगे, और 4 बजे के बाद हम यहाँ आए तो हम यहीं रुकेंगे आपके पास, तो वही ये सीन है, हम उनके पास ही रुकेंगे आज। ओहो ओह माय गॉड कहाँ गए हम, फिसलेगी फिसलेगी, बच गई रे राइडर लव जाटी कह दे। भाई ये तो बारिश हो कुछ भी हो ये फुटबॉल खेलते रहते हैं, और इधर क्रेज़ मैंने बताया था ना आपको, क्रेज़ जो है ना पूरे का पूरा वो फुटबॉल का ही है भाई, और किसी चीज़ का क्रेज़ नहीं है यहाँ, सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल का क्रेज़ है। मैंने किसी को क्रिकेट खेलते नहीं देखा यहाँ पे, वॉलीबॉल खेलते नहीं देखा, हॉकी नहीं खेलते हुए देखा, कबड्डी नहीं खेलते हुए देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन देखा तो सिर्फ फुटबॉल। देखो ये भी फुटबॉल की तैयारी करके आ रहा है भागता वो बंदा, धुम धड़ाका धुम। आज तो इस नदी में से पानी भी नहीं पी पाएगा कोई, हैं हम लोग थोड़ा सब्जी लेके आ रहे हैं ऊपर से। क्या बनाएगा आज? निरामिष बनाएगा। क्या एक होता है शिमला मिर्च? नॉन वेज तो नहीं बनाओगे? बट ठीक है तो हमारे लिए बना लेना एक्स्ट्रा, ठीक है बढ़िया करके एकदम। हाँ कैंप लगाते हैं हम, अपना सेटिंग बैठाते हैं कैंप की, भीग गए बहुत तगड़ी बारिश पड़ी पीछे, अच्छा ठीक ठीक। वेज ही बनाओगे ना सब कुछ? वेज में बनाओगे ना सब कुछ? प्योर वेज एकदम? बट ठीक है तो आज यही तुम्हारे साथ ही काम खींचेंगे, ठीक है। लो भाई खाने का इंतजाम भी हो गया, दोस्ती है हमारी यार इनसे, दोस्त बन गए थे, कहते हैं आकर इधर आओगे वापस तो रुकना हमारे पास ही। ओरे रे 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 रो रे 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 रो 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 रो। और देखो सबसे बढ़िया बात पता क्या है यहाँ की, ओहो आज तो हमारी बाइक भी अंदर नहीं जाएगी भाई, आज तो बाइक का कुछ देखना पड़ेगा। और दोस्त क्या हाल है? सो भाई लोग देखो अपना ना कैंप का हमने सेटअप कर दिया यहाँ पे, वैसे तो ना नीचे लेटने के लिए जगह है, जो लड़के हैं ना उनके साथ में लेटने के लिए जगह है, लेकिन हम ना यार हमें वीडियो एडिट करनी पड़ती है तो डिस्टर्ब होता है। बाकी हमारे ना सारे कपड़े वपड़े गीले हो गए थे तो हमने ना देखो ऐसे सुखा दिए, इधर रेन कोट सूख रहे हैं हमारे, ये हल्के हल्के ना हमारे जो स्लीपिंग बैग हैं वो हल्के हल्के साइडों से गीले हो गए थे तो ये हमने सुखाने के लिए टांग दिए हैं,
कैंप इधर लगा दिया, जूते इधर निकाल दिए भाई। बाकी हमारे जो मैट्रेस हैं, मैट्रेस भी एक साइड से ना थोड़े से नीचे की साइड से गीले हो गए थे, तो ये भी सूखने के लिए डाल दिए और इन पर मिट्टी लग गई थी वो साफ कर दी है। बाकी अब हम चल रहे हैं भाई नीचे, जहाँ पे ना ये लड़के खाना वाना बना रहे हैं, तो हम खाना वाना बनवाते हैं साथ में चल के इनकी। और खाने में आज क्या बनाएंगे, क्या खाएंगे, किन के साथ खाएंगे, वो सब अब मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। फटाफट नीचे चल रहे हैं, चार्जिंग का जुगाड़ भी हो गया, चार्जिंग लगा दी इधर। अब लेके चलता हूँ मैं जिधर अपना खाना बन रहा है भाई, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं इस बार, मतलब हम नहीं वो भाई बना रहे जिनके पास है हम। देखो भाई सोने साने का तो मैंने उस दिन दिखाई दिया था ये सिस्टम है, और आज हम बना के रहे हैं, दिखाता हूँ मैं तुमको भाई साहब। पूरे का पूरा इन्होंने तसला भर दिया है, क्या बना रहे हो ये? कद्दू, आलू और कद्दू, कद्दू बजी और आलू बजी, आलू ठीक है। और ये भाई इधर कॉर्न, मक्का, इधर क्या भून रहे भाई? चावल, 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 चावल भाई, चावल भून दिए, मिक्स कर गया तू, मिक्स बन गया बस, बहुत अच्छा लगेगा खाके, बहुत अच्छा लगेगा टेस्ट। चलो देखते हैं आज, देखते भाई आज इनकी डिश कैसी है वो भी खा के पता करेंगे, मतलब इधर की डिश कैसी होती है। हमारे यहाँ तो भिलिया कद्दू के साथ में ना, हमारे ऐसे बोलते हैं भिलिया कद्दू, या फिर बोलते हैं पेठा, ठीक है। तो भाई इसे खाते हैं, और हमारे यहाँ तो पूरी के साथ बनता है, आपको पता ही होगा। बाकी चावल वावल के साथ बना रहे हैं, देखेंगे आज कैसा लगता है भाई। बाकी भाई चावल लोगों ने ना भून दिया पूरी तरीके से, ये चावल भून रहे हो या वो बना रहे हो, क्या बोलते हो उसे, जो वैसे फ्राई कर रहे हैं अभी? अच्छा फ्राई कर रहे हो अभी, दोनों फ्राई करेंगे अभी, ये भी फ्राई होगा, वो भी फ्राई होगा, और फिर ये बनने के बाद ये डलेगा इसमें? नहीं वो नहीं, वो अलग है, ये वैसे ही खाया जाएगा, ये ऐसे ही खाया जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, ये करारे से हो जाएंगे जैसे नमकीन हो जाता है ना। तो भाई देखो ये बना, इसमें मिर्च विर्च डाल के, भून के मिर्च डाली है इसमें, नमक डाला है, और ये चावलों को वो किया है काफ़ी देर, जैसे हमारे यहाँ ना उसको करते हैं क्या बोलते हैं, मक्का जो खीर बन जाती है, और मक्का डली हुई है, प्याज है, और चावल तो है ही है, चावल तो कर दें। बाकी इसमें ना सरसों का तेल डाला है ना ऊपर से, भाई मज़ा आ रहा है कसम से, एक नंबर लग रहा है, मिर्च काफ़ी तेज है, मज़ा आ रहा है। लेकिन तो वो कहाँ है, वो भी तो रखी, प्याज तो रखी है हमारे पास शायद। हाँ प्याज रख के दे देंगे ना अभी, हाँ तो मैं काट लेना और बड़ी लगेगी। सो गाइस खाना वाना खा के मैं आ गया हूँ वापस से अपने कैंप में, और भाई खाने में आया है मज़ा आ गया भाई। काशीफल की सब्जी थी, उसमें आलू मिले हुए थे और चावल बनाए थे इन्होंने, जिसमें मक्का थोड़ी थोड़ी डली हुई थी भाई साहब, मैं तो भाई भरपेट खाया, मज़ा आ गया। बाकी ये व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस व्लॉग में आपको क्या अच्छा लगा वो भी बता देना। फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लेना, अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।